मार्केट में आपको वेराइटी ऑफ साइज और शेप के स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, पर आपको बता दें कि स्पीकर की साउंड क्वालिटी और उसका लाउडनेस स्पीकर के साइज और शेप पर ही डिपेंड नहीं होता। आप रिजनेबल कॉस्ट पर भी एक अच्छा स्पीकर खरीद सकते हो जो आपके म्यूजिक, मूवीज, टेलीविजन और वीडियोस के एंजॉयमेंट को एनहांस कर सके। इस वीडियो में हम आपसे कुछ पॉइंट्स एंड टिप्स शेयर करेंगे जो आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको स्पीकर परचेस करने में मदद करेगा। टिप्स नंबर 1, एग्जैक्टली हाउ यू विल यूज द स्पीकर। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टास्क के लिए एक स्पेसिफिक स्पीकर अवेलेबल है। जैसे अगर आप कैजुअल म्यूजिक के शौकीन हो तो आपके लिए बुकशेल्फ स्पीकर बेस्ट रहेंगे, और अगर आप ज्यादा ही इंटेंसिव एक्सपीरियंस को फील करना चाहते हो तो आप स्टैंडिंग स्पीकर पर अपग्रेड हो सकते हो। लो टोन एक्सपीरियंस जैसे मूवीज, म्यूजिक के लिए आप सब ऊपर्स एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही सब ऊपर्स के कंबाइन में आप साउंड बेस या साउंड बार को भी फील कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2, कन्फर्म द स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट, नोट योर एम्पलीफायर्स पावर। अगर आपके पास कोई एम्पलीफायर अवेलेबल हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आउटपुट पावर चेक करें, जो कि उसके लेबल पर मेंशन होगा, और अगर लेबल ना हो तो आप मॉडल नंबर के थ्रू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। स्पीकर की पावर रेटिंग एम्पलीफायर की आउटपुट पावर रेटिंग से मैच होना काफी जरूरी है, वरना ये आपके म्यूजिक सिस्टम को डैमेज कर सकता है। स्पीकर इम्पीडेंस वैल्यू। इम्पीडेंस काउंट होती है ओहम्स में, और इम्पीडेंस एक स्पीकर का एक इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन है। पावर की तरह ही स्पीकर का इम्पीडेंस एम्पलीफायर के इम्पीडेंस के साथ मैच होना चाहिए या कंपेटिबल होना चाहिए, वरना ये स्पीकर के सेंसिटिविटी को अफेक्ट कर सकता है। इसे अवॉइड करने के लिए आप इमीटर फॉलोअर का भी यूज कर सकते हो। स्पीकर के इम्पीडेंस डिटेल्स और उसकी वैल्यू आपके स्पीकर के बॉक्स पर या यूजर मैनुअल में मेंशन मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ एम्पलीफायर कंपेटिबल होते हैं 8 ओम इम्पीडेंस से। लोअर इम्पीडेंस के स्पीकर को जरूरत होती है एक पावरफुल एम्पलीफायर की। यहाँ पावरफुल मीन्स ज्यादा वॉट हो सकता है, और स्पीकर का इम्पीडेंस अगर ज्यादा ही कम हो तो वह एम्पलीफायर को भी ओवरहीट कर सकता है। टिप्स नंबर 3 है स्पीकर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी से रिलेटेड। स्पीकर के पावर हैंडल करने की कैपेसिटी को मेजर करते हैं वॉट में। एक हायर वॉट के स्पीकर को हमेशा पावरफुल एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट होती है, पर स्पीकर की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर आपका एम्पलीफायर पावर डिलीवर कर रहा हो तो यह आपके स्पीकर को डैमेज कर सकता है। तो स्पीकर खरीदते समय स्पीकर एंड एम्पलीफायर का पावर रेटिंग मैच करके ही स्पीकर परचेस करना चाहिए। टिप्स नंबर 4 इज स्पीकर सेंसिटिविटी। स्पीकर सेंसिटिविटी मेजर्ड करने के लिए डेसिबल यूज होता है। स्पीकर कितना लाउडली साउंड डिलीवर कर सकता है ये डिपेंड करता है स्पीकर की सेंसिटिविटी पर। हायर द स्पीकर सेंसिटिविटी मीन्स स्पीकर विल डिलीवर लाउडर द वॉल्यूम। स्पीकर की सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो स्पीकर की सेंसिटिविटी, स्पीकर की पावर एंड स्पीकर की लाउडनेस, इन तीनों का एक म्यूचुअल रिलेशन है जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अब आते हैं लास्ट टिप्स पर, जो है बजट। अक्सर ये होता है हम बेटर एंड बिगर लुकिंग स्पीकर को देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम वह स्पीकर हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते और वैल्यू फॉर मनी भी नहीं होते। एक किफायती स्पीकर भी बेटर परफॉर्म कर सकता है अगर वह सारे स्पेसिफिकेशन को फुलफिल कर रहा हो तो अपने बजट पर स्टिक रहे और पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही स्पीकर परचेस करे। तो ये थी कुछ टिप्स जो आपको स्पीकर परचेस करने में मदद करेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।